जिन ढंग से शिवेंद्र बहादुर यहाँ से खेदन और अशोक शर्मा जी सांसद बनाए, जिन ढंग से यहाँ पर पिछले बार माननीय डॉक्टर प्रबंध सिंह जी चुनाव जिताए और मोतीलाल बोरा रायपुर दुर्ग भेजे, वैसे ढंग के 26 तारीख के कमलपुर छाप में वोट डाल के ये भूपेश बघेल पाटन भेजना है, दुर्ग भेजना है, ये संकल्प आज हमला करना है। तीन नेता जिन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये हवा भी चले ना शिवेंद्र बहादुर के नाम आए, जब बात चले ना देश के राष्ट्रीय नेता मोतीलाल बोरा का है ना, बोला रमन सिंह जी एक साधारण नेता बोला हरा के भेज देश, ये दरी ये शराब बेचैया गांव गांव में चौक में ठेला में शराब की अनुमति देवैया ये भूपेश बघेल, गुंडागर्दी करैया ये भूपेश बघेल, अब प्रदेश का भ्रष्टाचार के आगोश में भेजने वाला ये भूपेश बघेल ला, इधर कमलपुर छाप में भारतीय जनता पार्टी ला जिता के उला पोरिया पिस्तला बंधवा के हमला दुरुप भेजना है, ये बात तय करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये वही कार्यकर्ता है जिन सदा राजनामे और लोकसभा में इतिहास रचे, इधर यो इतिहास रचने वाला है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ भूपेश बघेल ने मंच के माध्यम से कुछ दिन पहले यहाँ पर उपचुनाव हो रही मूल प्रत्याशी बनाए जिससे आप रात और दिन मेहनत करे, रात और दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के सम्मान यहाँ पर खड़ा करे के प्रयास करे हो, दिगल नहीं दे और भूपेश बघेल के पसीना गली गली निकला जिसे जगह जगह सभा करे, जगह जगह शराब बेचे शराब बटवाए, जगह जगह होकर मंत्री बन विधायक बन घूमत रहा है, अक्का अक्का घूमी सबकत मेहनत करी तो ऐसे लगे कि यहाँ पर बहुत बड़े कुछ कुछ हो जाए, अंत में डरा गए ओकर बात भी लगे यहाँ पर वो चुनाव हारा थे, ये भूपेश बघेल लड़त रही थी, कोई प्रत्याशी नहीं लड़त थी, अंत में क्या करीस खैरा गलत जिला बने, अकल्पनी जीवन में कभी खैरा गलत जिला नहीं बनाती लेकिन हार के डर से जिला बना है, जेकर वजह से वो पद में रहते वही भी खैरागढ़ जिला का कोई विकास नहीं करे, मुख्यमंत्री रहते वही कोई व्यवस्था नहीं करे, और आज जिला जहां के तहां ये मजबूरी से जिला बने। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, ये तो एक जिला के बात करत ऐसे 29 ठन घोषणा करी और घोषणा आज भी पूरा कई ठन नहीं हुआ, कई तो पुल पुलिया सड़क नाली बिजली नाना प्रकार के होकर मंत्री मतलब गाँव गाँव में जाके घोषणा करे वो पूरा नहीं हुए, बोला अपना याद दिलाना पड़े चुनाव के बाद उपचुनाव के बाद कभी दर्शन नहीं दी, लेकिन अचानक फिर से हम प्रकट हुए लोकसभा चुनाव लड़े पर कुछ दिन प्रकट हुए बोले फिर से छीमा करना है, छीमा जानते ना गायब करना है, तो हमला सबसे पहले आने वाले समय में कमलपुर छाप में वोट डाल के भारतीय जनता पार्टी ने जिताना है, संतोष भाई ला फिर से क्षेत्र से लोकसभा में भेजना है ताकि ये क्षेत्र की आवाज लोकसभा के अंदर गुजर रहा है, लोगन की थे कि संतोष पांडे जी यहाँ विकास के कई ठन काम नहीं करे, मैं आपसे कहना चाहूँ ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार से जब कांग्रेस के सरकार थे तो सांसद भी अपन विकास करा नहीं पाए, लेकिन जब प्रदेश में अपन सरकार थे तो सांसद और विधायक सब मिलकर विकास कराते, आज निश्चित तौर से दुख निश्चित तौर से है कि हमारे खैरागढ़ विधानसभा में लगातार 2013 से हमारे विधायक नहीं है, हम पिछला चुनाव बहुत कम वोट से हार गए, एक पहले हम 800 वोट से आ रहे हैं, एक पहले 2000 वोट से आ रहे हैं, अब अभी हम 5500 से वोट से आ रहे हैं, लगातार हम पीछे हो जाते हैं, एक सपो के बदला इधर ही एक तरफा कमल फूक छाप पे वोट डाल के भारतीय जनता पार्टी ने जिताना है, और मंचस्व नेता मल्ला आज ये बता देना है कि आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, खैरागढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से बहुत ज्यादा वोट डलवा के जिता के संतोष पांडे ला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद बना के नरेंद्र मोदी जी ला मजबूत करे पर हम भेजबो, यही विश्वास के साथ हमें बात लंबा यहीं पर समाप्त कर दो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।